हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कथित रूप से संलिप्तता वाले धन शोधन के एक मामले में आरोपी LIC एजेंट आनंद चौहान ने अंतरिम जमानत के लिए विशेष अदालत का रुख किया है। चौहान की ओर से दाखिल याचिका में भतीजी के विवाह में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है। आरोपी की ओर से वकील तरनुम चीमक ने अपने मुवक्किल के लिए 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। चौहान को जांच अधिकारी के साथ सहयोग नहीं करने पर पिछले वर्ष 9 जुलाई को धन शोधन कानून के तहत चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए चौहान के जरिए अपने और अपने परिजनों के नाम LIC की पॉलिसियों में खासी रकम निवेश की थी। CBI ने भी इस पर एक मामला दर्ज किया है और 82 वर्षीय सिंह, उनकी पत्नी चौहान तथा अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। सिंह और अन्य आरोपियों ने CBI और ED के आरोपों से इनकार भी किया है।